हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेन सिंह। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। पहाड़ों में हो चुकी है सुबह, करीब अभी 9:30 बजे का समय हो रहा है। मैं भी आज लेट उठ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठ रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है कल से ही। तो चकुटा जाना है, एक राउंड चकुटा होकर आता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक नई साइट जो मैंने आपको परसों वीडियो दिखाई कि इस साइट पर रिटेनिंग वॉल की चिनाई होगी, तो रिटेनिंग वॉल की चिनाई वहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो उसको देख के आना है, थोड़ा उनको काम समझा के आना है और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि नई जो हमारी नई साइट है वहाँ पर रिटेनिंग वॉल किस प्रकार से यहाँ पर चिनाई शुरू हो चुकी है और कितनी चिनाई यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। तो पहले आपको सुबह के नज़ारे दिखाता हूँ, बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं सुबह के टाइम में। बढ़िया धूप खिली हुई है, धूप अच्छी खासी आ रही है। तो उसके बाद चलेंगे चकुटा साइड पे और फिर घर पे आना है जल्दी से, थोड़ा बहुत आराम करना है ताकि थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले। काफ़ी अजीब सा हो रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, बुखार आ गया है, हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और देखिए नज़ारे, बढ़िया धूप आ चुकी है, बढ़िया धूप खिल रही है, अभी एकदम शांति, दूर दूर तक खुला व्यू। सुबह के बेहतरीन शांति भरे नज़ारे आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं कसैली मार्केट में। देखिए अभी शांति छाई हुई है कसैली मार्केट में, अभी उतनी चहल पहल तो है नहीं, सुबह के टाइम थोड़ी चहल पहल यहां ज़रूर होगी। और सामने देखिए मस्त नज़ारा, बढ़िया हिमालय आज भी देखने को मिल रहा है। जूम कर लेता हूं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चोखटा और सामने रही हमारी ये रिटेनिंग वॉल जो कम्प्लीट हो चुकी है, दोनों पार्ट कम्प्लीट हो गए हैं देखिए। और लुक क्या शानदार आ रही है, आप कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो ये रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो चुकी है और पीछे मिट्टी का खुदान चल रहा था, मिट्टी कटाई चल रही थी, देखिए ये अभी जारी है यहाँ पे। तो इस प्रकार का काम यहाँ पे चल रहा है चकुटा साइड पे। और ट्रक पे आ चुका है हमारा थोड़ा बहुत मटीरियल और नज़ारे देखिए चकुटा साइड से। अभी लगभग 11:30 बजे का समय हो रहा है, क्लीन व्यू आ रहा है, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। और रोड पे सारा मटेरियल हमारा उतरा हुआ है, पत्थर जो रोड से नीचे भी नई साइड जहाँ पे रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और सामने में लगाए जा रहे हैं आलू। आजकल पहाड़ों पे आलू लगाए जाते हैं पहाड़ों में, और यहाँ पर भी आलू लगाए जा रहे हैं देखिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ रोड से नीचे वाली साइड पे और यहाँ पर रिटेनिंग वॉल जो मैंने परसों आपको दिखाया था कि पत्थर स्टॉक किया जा रहा है ऊपर, तो वो सारा पत्थर स्टॉक किया इसी रिटेनिंग वॉल के लिए। इस पर भी लगभग 3 पार्ट बनाए जाएंगे, काफ़ी लंबी रिटेनिंग वॉल है, लगभग 60 फीट लंबाई है इसकी। और पास में मस्त गेहूँ हो रखे हैं खेत पर और नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं देखिए। खुला व्यू, एकदम बढ़िया क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है दूर दूर तक। और ये हमारे रिटेनिंग वॉल जिसकी यहाँ पे चिनाई हो रही है, पहला पार्ट यहाँ पे चिनाई हो रही है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, लगभग 3 पार्ट इस पर बनेंगे। ये हमारे रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है, बुनियाद भर दी है नीचे और उसके ऊपर हो रही है चिनाई। और रिटेनिंग वॉल चिनाई का कार्य दोस्तों यहाँ पर अलग अलग रेटों पर होता है। यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये क्यूबिक मीटर से 8,000 रुपये क्यूबिक मीटर तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है, मैं आया हूँ अपने गांव की तरफ, दूसरी तरफ जहाँ ये जोस्टल है। सामने में जो बिल्डिंग है ये है जोस्टल और यहाँ पे नीचे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद लेंटर की तैयारी हो रही है देखिए। तो बगल में जोस्टल है, उसके बगल में है ड्रीम कॉटेज। और नज़ारे देखिए, शाम के समय में काफ़ी बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। व्यू देखिए सामने की तरफ, धानाचुली का एरिया, काफ़ी मस्त क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। और साथ में सभी दोस्त ऊपर देखिए फ्रेंड, लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आए हैं और साथ में अभी आग जला के बैठेंगे। तो व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है शाम के समय में।
और सामने फ्रेंड लोग जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली उन लोगों ने और जला रहे हैं वहाँ पे आग। और थोड़ी देर सभी लोग मिलजुल के यहाँ पे बैठेंगे और अपनी गप्पे सप्पे लगाएंगे। यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद ऐसा माहौल मिल रहा है मुझे भी काफ़ी दिनों में, क्योंकि हम पहले भी ऐसे बैठा करते थे आराम से सभी फ्रेंड लोग शाम के समय में, तो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी और मुझे भी आज काफ़ी दिनों के बाद समय मिला है, तो इन्जॉय करते हैं इस पल को भी। तो फ्रेंड हम लोग तो सीखते हैं आग, आप लोग भी इन्जॉय करिए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।